YouTube channel Dreams Coaching Academy. I am Swapna Sharki, and today we discuss about law of conservation of mass. The law of conservation mass is one of the law of combination of elements. The law of conservation of mass states that the mass is an isolated system is neither created nor destroyed by chemical reactions or physical transformation. Means what? ये जो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमको बताता है कि आइसोलेटेड सिस्टम मतलब ऐसी सिस्टम जो एनक्लोज होती है वो दूसरे से इंट्रैक्ट नहीं होती या उस पर दूर होती है दूसरे सिस्टम से तो ऐसे सिस्टम में मास जो है वो ना क्रिएट होता है और ना डिस्ट्रॉय होता है तो चाहे वो केमिकल रिएक्शन हो या फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो तो ये जो लॉ है ये एंटोनी लो लोइर इन्होंने सेवनटीन में बताया है तो ये लॉ उन्होंने कैसे बताया तो उन्होंने बहुत केयरफुल एक्सपेरिमेंटल किए थे किसके लिए तो स्टडीज़ फॉर कम्बशन रिएक्शंस कम्बशन रिएक्शंस मीन्स वॉट द रिएक्शंस जो होती है वो ऑक्सीजन के साथ होती है और उसमें क्या होता है हीट रिलीज होती है तो हमें अगर देखना है तो इधर हम देखते हैं तो इधर हमने क्या किया है बर्निंग फायर बर्निंग ऑफ मतलब इधर फायर है तो बर्निंग ऑफ वुड चल रहा है मतलब हम लकड़ी जला रहे हैं तो इधर क्या होता है जो एयर में ऑक्सीजन होता है वो इसमें आ गया मतलब एक ये जो लकड़ी जलने का जो प्रोसेस है तो एक रिएक्शन ही है इसमें ऑक्सीजन के साथ हो रहा है इसलिए ये क्या बन गई कंबशन रिएक्शन बन गई तो इसमें एयर का ऑक्सीजन इसमें आएगा जो क्या होगा बर्निंग को इम्प्रूव करेगा या फिर हेल्प करेगा तो जब ये बर्निंग प्रोसेस होती है तो हमें मिलता क्या है प्रोडक्ट क्या मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेपर तो इसकी वजह से ये जो स्टार्टिंग है बर्निंग ऑफ वुड का और उसका एंड हो जाता है कोल में मतलब क्या अभी इधर ये जो लकड़ी या बर्न हो के उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया किस में तो कोल में लेकिन इधर जो मास होगा एंड में वही मास रहेगा मास में कोई चेंज नहीं होगा इसे इसे बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो ये जो लॉ है तो इसके अकॉर्डिंग मास ऑफ द प्रोडक्ट इन केमिकल रिएक्शन मस्ट इक्वल टू द मास ऑफ द रिएक्टर मतलब ये लॉ हमको बताता है कि अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किस पे एक्ट है या मतलब ये हो रहा है तो इसमें क्या है कि जो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसके प्रोडक्ट का जितना मास है वो क्या होगा केमिकल रिएक्शन के रिएक्टर के मास के इक्वल होगा इक्वल होगा मतलब एकदम इक्वल होगा तो इस, इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे तो मिथेन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मतलब मिथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा मतलब ये भी एक कम्बशन रिएक्शन ही है तो इसमें क्या होगा हमको कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलेगा मतलब मिथेन और ऑक्सीजन या भी इधर रिएक्शन देखेंगे ये है मिथेन सी एच फोर ये है कार्बन एटम और साइड में है हाइड्रोजन एटम ये हो गया सी एच फोर टू ओ टू मतलब क्या ये एक ऑक्सीजन और ये एक ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन के टू एटम बोल सकते हैं तो हमें यह हो गया हमारा रिएक्टेंट रिएक्टेंट में कौन एक केमिकल रिएक्शन अब हम देखेंगे उसमें रिएक्टेंट कौन है मिथेन और ऑक्सीजन और इसमें प्रोडक्ट हमको मिलने प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है इस रिएक्शन में तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर तो अभी देखिए ये जो रिएक्शन हो रही है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बताता है कि जो मास प्रोडक्ट का है वो रिएक्टेंट के मास के इक्वल होगा तो अब हम इसको देखेंगे तो अभी देखिए सी एच फोर जो मिथेन है उसका अगर हमने मास निकाला तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है ट्वेल्व हाइड्रोजन का होता है टू तो इधर फोर हाइड्रोजन है इसलिए इधर हो गया ट्वेल्व प्लस एट इधर हो गया ट्वेंटी टू ओ टू का निकालेंगे निकालेंगे तो क्या होगा टू इंटू ऑक्सीजन के एक आट, मतलब ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है सिक्सटीन तो इधर दो ऑक्सीजन है तो इधर हो गया थर्टी टू इंटू टू सिक्सटी फोर तो टोटल रिएक्टन का मास सी एच फोर प्लस टू ओ टू का क्या हो गया ट्वेंटी प्लस सिक्सटी फोर इज इक्वल टू एटी फोर यह हो गया रिएक्टन का अब हम देखेंगे प्रोडक्ट का तो इसमें क्या है सी ओ टू तो सी ओ टू मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इधर भी कार्बन का एटॉमिक मास होता है ट्वेल्व ऑक्सीजन का होता है सिक्सटीन तो इधर हो गया ट्वेल्व प्लस थर्टी टू तो इधर कितना हो गया फोर्टी फोर हम टू एच टू ओ का निकालेंगे तो टू इंटू तो एक हाइड्रोजन का होता है टू प्लस ऑक्सीजन का सिक्सटीन तो इधर हो गया टू टू 20, ट्वेंटी सिक्सटीन प्लस फोर ट्वेंटी तो ये हो गया फोर्टी तो टोटल प्रोडक्ट का मास क्या होगा सी ओ टू प्लस टू एच टू ओ इज इक्वल टू फोर्टी फोर प्लस फोटी इज इक्वल टू एट्टी फोर मतलब जो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हमने देखा कि प्रोडक्ट का मास वो रिएक्टेंट के मास के इक्वल होता है अब हमने इधर इधर ये प्रूव भी हो गया अब हम एक इसका एक्सपेरिमेंट देखेंगे तो ये जो एक्सपेरिमेंट है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बताने के लिए दिया है तो अभी हम ये क्या कर रहे हैं वन पैन इलेक्ट्रिक बैलेंस है तो बैलेंस पे हम क्या करेंगे ये जो हमारा बिकर है ग्लास बिकर उसमें एक टेस्ट ट्यूब रखेंगे ये टेस्ट ट्यूब है ये स्ट्रिंग से उसको टाई किया है रबर कॉर्क लगाया है तो हम इसमें क्या लेंगे ये जो टेस्ट ट्यूब है इसमें हम लेंगे एन मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन और लेंगे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन दैट इज़ सी यू मतलब हम एन एच और सी यू का मिक्स करेंगे तो मतलब मिक्स कैसे करेंगे तो ये जो टाई की है टेस्ट ट्यूब इसमें होगा एन ए ओ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन और ये जो है इसमें है सी यू एसओफोर कॉपर सल्फेट तो अब हम इसका रिएक्शन करेंगे मिक्स करेंगे दोनों को तो क्या होगा इसका वेट हमको कितना है मास सिक्सटी सेवन पॉइंट ट्वेंटी फाइव ग्राम हमने इलेक्ट्रिक बैलेंस पे इतना ही लिया है कितना है टोटल सिक्सटी सेवन पॉइंट ट्वेंटी फाइव ग्राम ठीक है ये इसका मास है तो इसको हम बोलेंगे एम वन मास ऑफ रिएक्टेंट अभी इसमें ये दूसरी डायग्राम है या फिर ये प्रोडक्ट है मतलब ये जो बिकर है इसमें आफ्टर मतलब रिएक्शन तो ये क्या हो गया अपना प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट हमको क्या मिलने वाला है सोडियम सल्फेट सोल्यूशन सोडियम सल्फेट मतलब एन न, एन फोर और कॉपर हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ठीक है तो अब क्या हो गया ये दोनों मिक्स कर दिए गए तो ये जो टेस्ट ट्यूब थी इधर जो टेस्ट ट्यूब थी वो इधर ऐसे इसमें गई इस सोल्यूशन में तो ये जो ये है एन है और ये जो है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है लेकिन हमें जो मिला है तो प्रोडक्ट हमको क्या मिला एन एच प्लस सी यू एस ओ फोर तो हमको प्रोडक्ट मिला है एन ए एस ओ फोर प्लस सी यू ओ एच मतलब क्या सोडियम सल्फेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट बात है इसका जो मास है वो इसको प्रोडक्ट के मास को हम बोलेंगे एम टू मतलब क्या एम टू इज इक्वल टू एम वन मास ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द मास ऑफ द रिएक्टेंट तो ये अपना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि ये जो रिएक्शंस परफॉर्म हो रही है उसमें प्रोडक्ट का जितना मास है वो रिएक्टेंट के इक्वल है ठीक है दूसरा एक्सपेरिमेंट देखेंगे तो एक क्लोज सिस्टम है टोटल मास रिमेंस द सेम मतलब मास सेम रहेगा तो इधर है सी एस एल टू मतलब क्या कैल्शियम क्लोराइड और एन ए टू एस मतलब सोडियम सल्फेट ठीक है अभी इधर हम लॉन्ग फॉर्म भी पढ़ सकते हैं कैल् सी एस मतलब कैल्शियम क्लोराइड सोल सोलूशन एन मतलब सोडियम सल्फेट सोल्यूशन सी मतलब कैल्शियम सल्फेट वाइट प्रेसिपिटेड और एन मतलब सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन अब हमें एक्सपेरिमेंट देखेंगे हमने जो बिकर लिया उसको पैक किया रबर रबर कॉर्क लगा दिया तो इसमें क्या है ये जो टेस्ट ट्यूब है इसमें है सी ए सी एल टू कैल्शियम क्लोराइड और ये जो नीचे वाला ये जो सोल्यूशन है वो किसका है तो सोडियम सल्फ़ेट सोलूशन है तो ये जो रिएक्टेंट है अपना कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट तो ये अपना रिएक्टेंट है इसका मास है वन ग्राम मतलब एम वन का तो आफ्टर रिएक्शन मतलब ये रिएक्शन होने के बाद हमें क्या मिलेगा एन मतलब सोडियम क्लोराइड और सी एस एस ओ फोर मतलब कैल्शियम सल्फेट तो मत मतलब ये जो ये जो सिस्टम है अपनी क्लोज सिस्टम है मतलब बंद की ना हमने तो इसमें क्या हो गया हमें रिएक्शंस का तो पता है सी ए एल टू प्लस एन ए टू एस ओ फोर तो ये जब रिएक्शन होगा तो क्या होगा अभी सी ए जो है वो इधर एस ओ फोर मतलब ये सी ए प्लस होता है एस ओ फोर माइनस होता है तो हमें मिलेगा सी एस ओ फोर प्लस ये सी एल टू माइनस होता है एन ए प्लस होता है तो क्या मिलेगा एन ए सी एल सोडियम क्लोराइड मतलब ये रिएक्शन हमने अभी देखी ये है अपना रिएक्टेंट और यह है अपना प्रोडक्ट तो हमको इसमें देखना क्या है मास इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए तो इधर भी कितना मास है वन एटी फोर पॉइंट थर्टी फोर ग्राम मतलब प्रोडक्ट का भी उतना ही है तो मास और प्रोडक्ट मास ये क्या है इक्वल है तो इससे हम प्रूव कर सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अब हम एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देखेंगे मतलब ये अप्लाई कहाँ होता है इसका यूज़ क्या है द लॉ इज़ यूजफुल फॉर अ नंबर ऑफ़ कैलकुलेशंस एंड कैन बी यूज टू सॉल्व फॉर अननोन मासेस मतलब ये जो लॉ है कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है और बहुत सारे अननोन प्रॉब्लम्स जो होते हैं मासेस के वो हम इससे सॉल्व कर सकते हैं तो इससे पता क्या चलता है कि कितना गैस कंज्यूम किया या रिएक्शन में कितना गैस प्रोड्यूस हुआ तो ये जो लॉ है तो केमिस्ट्री में डेवलपमेंट होने के लिए बाद में बहुत इम्पॉर्टेंट इसका रोल है तो अब हम फर्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे जो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है तो फर्स्ट प्रॉब्लम है फोर ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स सम ऑक्सीजन टू मेक थर्टी सिक्स ग्राम्स ऑफ वाटर मतलब फोर ग्राम हाइड्रोजन लिया हमने और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो हमको थर्टी सिक्स ग्राम क्या मिला वाटर मिला तो हमको फाइंड आउट क्या करना है ऑक्सीजन मस्ट हैव बीन है बाय अप्लाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब ऑक्सीजन कितना लिया ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी है वो हमको निकालनी है तो हम ये इक्वेशन वर्ड में लिखेंगे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये जो मिक्स हो गए तो हमें मिले रिएक्ट हो गए तो हमको मिला वाटर तो हाइड्रोजन का मास हमने इधर लिखा है फोर ग्राम ऑक्सीजन कितना लिया हमको मालूम नहीं इसलिए इधर हो गया क्वेश्चन मार्क और वाटर कितना दिया था मतलब उसमें कितना रिएक्शन होने के बाद कितना वाटर मिला तो 36 ग्राम मिला तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यह हमारा लॉ बताता है मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट तो इधर मास ऑफ रिएक्टेंट फोर मास ऑफ रिएक्टेंट में दो है तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन तो हमको हाइड्रोजन का मालूम है फोर ऑक्सीजन का मालूम नहीं है और वाटर का मालूम है थर्टी सिक्स तो हम इसको कैसे निकालेंगे फोर प्लस थर्टी सिक्स मतलब क्या इधर क्या आएगा थर्टी सिक्स माइनस फोर इज इक्वल टू थर्टी टू मतलब वाटर ऑक्सीजन कितना है इसमें थर्टी टू ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन वॉज यूज इन दिस रिएक्शन वेरी सिंपल कैलकुलेशन वेरी सिंपल प्रॉब्लम ठीक है नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे इन ए केमिकल रिएक्शन वन फिफ्टी ग्राम ऑफ बेकिंग सोडा मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम बाय कार्बोनेट एंड विनेगर ऑन हीटिंग गिवस एटी सेवन ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस व्हाट मास ऑफ सॉलिड रेसिड्यू विल लेफ्ट इन फूड मतलब हमें इधर क्या करना है बताया है कि 150 ग्राम बेकिंग सोडा लिया है उसमें मिक्सचर बेकिंग सोडा का जो मिक्सचर है उसमें सोडियम बाई एंड वेनेगार है तो हीटिंग पे वो कितना देता है हमको 87 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है तो जो सॉलिड रेसिड्यू बचता है तो वो कितना है फूड में वो हमको निकालना है तो बेकिंग सोडा तो कोई भी खाने में की चीज़ों में हम यूज़ करते हैं तो पता है हमको तो उसमें से जब वो रिएक्ट होता है तो गैस निकल जाती है तो जो सॉलिड रेसिड्यू है वो कितना है वो हमको निकालना है तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट तो बेकिंग सोडा मिक्सचर ये अपना हो गया रिएक्टेंट तो उसमें क्या हो गया सॉलिड रेसिड्यू कार्बन डाइऑक्साइड हमको मिला तो ये हो गया अपना प्रोडक्ट तो इधर देखिए मास ऑफ बेकिंग सोडा इज इक्वल टू मास ऑफ सॉलिड रेसिड्यू प्लस मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या होगा बेकिंग सोडा का हमको मास पता है कितना है 150 ग्राम ठीक है और हमको किसका पता है मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मतलब प्रोडक्ट का मास पता है तो हम इधर कैलकुलेट कैसे करेंगे तो हमने क्या किया बेकिंग ये फॉर्मूला लिया बेकिंग सोडा का मास हमको पता है वन ग्राम सॉलिड रेसिड्यू का निकालना है तो मतलब क्या 150 फिफ्टी माइनस एक्स इज इक्वल टू एटी तो हमने क्या किया ये 87 इधर आ गया तो 150 फिफ्टी माइनस एटी तो ये मिल गया 63 ग्राम ये क्या है अपना सॉलिड रेसिड्यू का मास है ठीक है तो ऐसे हम हमने सॉलिड रेसिड्यू का फूड में कितना है वो मास निकाल लिया अभी प्रॉब्लम नंबर थ्री वेन 0.0976 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम वॉज हीटेड इन एयर मतलब जो मैग्नीशियम है हमने एयर में हीट किया तो 0.1618 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड दैट इज एम ये प्रोड्यूस हो गया मतलब रिएक्टेंट को ने अपना एम मैग्नीशियम अपना रिएक्टेंट है हमको प्रोडक्ट क्या मिला एम तो व्हाट इज द मास ऑफ ऑक्सीजन नीडेड टू प्रोड्यूस जीरो ग्राम ऑफ एम मतलब कितना ऑक्सीजन लगेगा जीरो ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड बनने बनने के लिए हमको अभी इधर निकालना है तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट ये हमको याद हो गया यह हमको परफेक्टली याद रह गया ठीक है तो मास ऑफ एम जी यह अपना प्रोडक्ट रिएक्टेंट uh, है मास ऑफ ऑक्सीजन जो मैग्नीशियम है वो एयर में क्या हो गया हीटेड किया गया तो इसमें ऑक्सीजन मिक्स हो गया ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट हो गया और जो प्रोडक्ट मिला है हमको वो है मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड तो हमें मैग्नीशियम का मास तो पता है और एम का भी पता है मतलब हमको ये निकालना है कि जीरो पॉइंट वन सिक्स वन ऑक्साइड बनाने के लिए हमको कितना ऑक्सीजन चाहिए ठीक है किस कितने ऑक्सीजन की नीड है तो मास ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए हम क्या करेंगे अभी तो मास ऑफ द रिएक्टन मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड के मास कितना है जीरो पॉइंट वन सिक्स वन एट उसमें से हम मास ऑफ द एम जी माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा आंसर आंसर क्या है जीरो पॉइंट ज़ीरो सिक्स फोर टू ग्राम तो ये जो है वो क्या है मास ऑफ ऑक्सीजन किसके लिए तो मास ऑफ ऑक्सीजन नीडेड टू प्रोड्यूस जीरो पॉइंट वन सिक्स एट ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड तो इस तरह से ए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यूज़ करके हम ऐसे प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं यह है मेन एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन केमिस्ट्री थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए ऐसे ही एजुकेशनल रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्रे, चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए Thank you.